पड़ोसी देश म्यांमार में खदान धंसने से मरने वालों की संख्या 162 हो गई है। म्यांमार सरकार ने कहा है कि अब तक 162 शव बरामद किए जा चुके हैं और अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हरे पत्थरों वाली ये खदान म्यांमार के काचीन प्रांत में है, जिनका इस्तेमाल आभूषणों के लिए किया जाता है। ये हादसा 2 जुलाई की सुबह 8 बजे के आसपास हुआ, जब मजदूर 250 फीट की ऊंचाई पर काम कर रहे थे। लगातार बारिश की वजह से खदान के नजदीक पानी भर गया था और ये अचानक खिसक गई। कई मजदूरों की मौत खदान में डूबने से भी हुई है। काचीन पुलिस के मुताबिक भारी बारिश की वजह से लोगों को काम नहीं करने की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन उसके बाद भी लोग काम करने गए और हादसे का शिकार हो गए। काचीन सरकार के मुताबिक हादसे के वक्त खदान में 250 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे और कई मजदूर अभी तक लापता है। तमाम एजेंसियां राहत और बचाव के अभियान में जुटी हुई हैं, लेकिन बारिश के चलते तमाम मुश्किलें आ रही हैं। म्यांमार की जेट खदानों में जेडाइट धातु का खनन बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहां के उत्तरी भाग में दुनिया का बेस्ट जेडाइट पाया जाता है और दुनिया में करीब 70% जेडाइट म्यांमार से ही सप्लाई किया जाता है। पिछले साल अगस्त के महीने में भी दक्षिण पूर्व म्यांमार में भूस्खलन हुआ था, तब इसमें 59 लोगों की जान चली गई थी। ये हादसा भी भारी बारिश की वजह से हुआ था, तब बाढ़ और बारिश की वजह से 80,000 लोग बेघर हो गए थे। अंकुश चौबे की रिपोर्ट, गो न्यूज़।